हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने बैंक अकाउंट से आधार को कैसे लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन, तो इसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ किस तरीके से आप घर बैठे अपने आधार को अपने बैंक से लिंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस प्रक्रिया को जानने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। जैसा कि आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, ये पीएनबी का फिलहाल है, मैं इसको ओम कर लेता हूं। और यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट नंबर आपको जो भी होगा वो आपको फिल कर लेना है। अकाउंट नंबर फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, यानी कि ओटीपी जाएगा जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बैंक में रजिस्टर्ड होगा वो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। जैसे कि मेरा ओटीपी आ चुका है तो मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ अपना। ठीक है दोस्तों, नीचे जो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैप्चा दिख रहा है, वो कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर लेना है आपके ऊपर वाले बॉक्स में। तो जैसे कि मैं फिल कर लेता हूँ दोस्तों, मैंने फिल कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, वैलिडेट कर देना है इसको। आपको क्लिक कर लेने के बाद जैसे आप करेंगे तो आपका जो नाम होगा वो आपको शो कर देगा, कि आप कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको शो कर देगा। आगे आपको सन ऑफ जो भी आपके पिताजी का नाम होगा वो आपको देखने को आगे मिल जाएगा और आपका जेंडर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी जाएगी निश्चित करने के लिए कि ये आपका अकाउंट नंबर जो है आपके नाम से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपका डाटा सही है, आपका ब्योरा सही है तो आप नीचे जो है प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आपको जो है ऊपर में देख सकते हैं, आपको आधार नंबर जो है या वीआईडी नंबर होता है वो आपको डालना पड़ता है। तो आधार नंबर में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आधार नंबर में आपको सिर्फ 12 अंक का आधार नंबर होता है, वीआईडी नंबर जो होता है वो 16 अंक का होता है, तो दोनों में से कोई नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आधार नंबर अपना डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, डाल लेने के बाद यहाँ पे जो है आपको यस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यस कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपका आधार में मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उस पर आपको एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। जैसे कि मेरा ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी मैं फिल कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ पे जो है आपको नीचे क्लिक कर लेना है, वैलिडेट यहाँ पे आपको कर लेना है। यहाँ पे आपको सभी देखने को यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी और आपके मोबाइल जो नंबर है उस पर आपको मैसेज भी दे दिया जाएगा, और जो भी जानकारी है, जो भी बेनिफिट होगा डीबीटी के, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है डायरेक्ट आधार के थ्रू, जो आपको जो भी डाटा बेनिफिट होता है वो आपको यहाँ पे मिल पाएगा। तो इस तरीके से सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी जानकारी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आधार डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, आधार डिटेल्स कैप्चर सक्सेसफुली, तो जो भी आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे अपना डाटा करके इस तरीके से लिंक कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये करना ना भूले दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय